कार्डियो कितना करना चाहिए और कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए जिससे हम जल्दी फैट लॉस कर पाए, वो भी विदाउट अपना मसल मास को ड्रॉप किए। मोस्टली लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें आपने सिर्फ एक चीज पे फोकस करना होता है, वो है स्टेडी स्टेज अचीव करना। ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपकी बॉडी जो एनर्जी यूज कर रही है वो मैक्सिमम फैट से यूज कर रही है, मतलब कि जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसमें आपका फैट बर्न हो रहा है मैक्सिमम। तो और आपको क्या चाहिए, इससे तो आप जल्दी से जल्दी फैट कम कर पाओगे। पर मोस्टली लोग ये स्टेज तक नहीं पहुंच पाते, अगर पहुंच पाते तो साथ के साथ ही बंद कर देते हैं वो एक्सरसाइज, क्योंकि कार्डियो का मतलब लोग ये समझते हैं सांस थोड़ी हमारी ज्यादा फूले, मतलब सांस जल्दी चढ़े या फिर स्वेटिंग ज्यादा है, ये दोनों चीजों को समझते लोग कार्डियो, जो कि सरासर गलत है। कार्डियो का मतलब ही मैं आपको बता देता हूँ, कार्डियो का पूरा नाम होता है कार्डियो वेस्कुलर और कार्डियो रेस्पिरेटरी, जिसमें आपका हार्ट और लंग्स बहुत ही ज्यादा अच्छी अमाउंट में यूज हो रहे हैं। तो कार्डियो सिर्फ फैट बर्न नहीं होता, आपकी ओवरऑल हेल्थ अच्छी होती है, मतलब कि हार्ट हेल्थ और लंग्स अच्छे होते हैं जिससे आपकी पूरी बॉडी रेगुलेट हो पाएगी। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेडी स्टेज कैसे अचीव करें कार्डियो के अंदर। फॉर एग्जांपल आप ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहे हो, नॉर्मल आपका जो हार्ट बीट बीट करता है वो एक मिनट के अंदर 70 बार बीट करता है, 70 बार। तो आप 7 की स्पीड पे रनिंग कर रहे हो ट्रेडमिल पे, आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे वो आपका हार्ट 70 से 80 पे आ जाएगा, 90, 100, 110, तो 5 मिनट बाद 120 पे आ जाएगा। फिर 120 से वो इंक्रीज नहीं हो सकता है, ना ही कम हो सकता है, एक पेस उसने अपना पकड़ लिया। तो वहां से लेके अगर आप 20 मिनट तक सेम बीट पे वो एक्सरसाइज कंटिन्यू परफॉर्म कर पाओ, मतलब कि वो रनिंग 7 की स्पीड पे आप 20 मिनट और परफॉर्म कर पाओ, जब आपका वो हार्ट बीट 120 पे आ गया, तो ड्यूरिंग दैट टाइम आपका जो मैक्सिमम एनर्जी बर्न होगी वो फैट से बर्न होगी। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेज अचीव करना, मतलब कि 20 मिनट अगर आप लगातार एक ही स्पीड पे रनिंग कर रहे हो तो आपकी जो बॉडी एनर्जी यूज करेगी टोटली फैट से यूज करेगी। अब आप सोच रहे हो हम रनिंग 20 मिनट तक नहीं कर सकते एक ही स्पीड पे, तो आपने करना क्या है, हमारा गोल रनिंग करना नहीं है या एक पर्टिकुलर स्पीड पे रनिंग करना नहीं है, हमारा गोल है 20 मिनट तक वो सेम एक्सरसाइज को कंटिन्यू परफॉर्म करना। तो आप 6 की स्पीड पे भी कर सकते हो, इवन 5.5 की स्पीड पे आप वॉक कर सकते हो या ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, बट मेन गोल है हमारा 20 मिनट तक वो सेम एक्सरसाइज परफॉर्म करना। और 20 मिनट कब से आपने काउंट करने हैं, स्टार्टिंग के 5 मिनट आपने काउंट नहीं करने, क्योंकि उसमें आपकी बॉडी हार्ट बीट को मैनेज करने में ही लगा देती है। मैंने आपको भी बताया अगर आपका 70 बार हार्ट बीट कर रहा है एक मिनट के अंदर, तो 5 मिनट के अंदर अगर आपने वो 120 तक पहुंचना है तो उसके लिए बॉडी 5 मिनट लगा देती है। तो पहले 5 मिनट आपने काउंट नहीं करने, फिर आपने सेम स्पीड तक 120 बार करना है। तो जरूरी नहीं आपने वो ट्रेडमिल ही करना है, आप कोई भी एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, इलिप्टिकल कर सकते हो, स्टेयर मास्टर कर सकते हो, कोई भी मशीन पे आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, बट 20 मिनट आपने सेम स्पीड पे करना है। इसे कहते हैं स्टेडी स्टेट अचीव करना। इसमें जो आपकी एनर्जी बर्न होगी वो फैट से बर्न होगी, इसके थ्रू ही आप अपना मैक्सिमम फैट कम कर पाओगे। अब दूसरी गलती जो लोग करते हैं, कुछ लोग सोचते भी हम 20 मिनट तक कर लें बट अगर 7 की स्पीड पे नहीं हो रहा तो हम 5 की स्पीड पे कर लेते हैं, बट आपको कैसे पता चलेगा 5 की स्पीड आपके लिए कंफर्टेबल है। अगर आप कंफर्टेबल स्पीड पे परफॉर्म कर रहे हो 20 मिनट तक तो आपका फैट बर्न नहीं होएगा। तो इसके लिए एक और टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं टॉक टेस्ट। इसके अंदर होता क्या है, BT1 और BT2 ये दो चीजें होती है जिसे हम कहते हैं वेंटिलेटरी थ्रेशोल्ड। तो आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूँ, जब आपके 5 मिनट हो जाए कोई भी एक्सरसाइज के ऊपर, रनिंग के ऊपर या फिर साइकिलिंग के ऊपर, तो आपने कोई 5 वर्ड की एक लाइन बोलनी है एक सांस के अंदर। अगर वो इजिली आप 5 वर्ड एक सांस के अंदर बोल पाओ, इट मींस आपको स्पीड थोड़ी और अप करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं 6 की स्पीड पे ब्रिस्क वॉक कर रहा हूँ, हल्की हल्की रनिंग कर रहा हूँ, अब मैं 5 वर्ड बोल रहा हूँ 5 मिनट के बाद, आपने 5 मिनट बाद ये चीज चेक करनी है, साथ के साथ चेक नहीं करनी। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी रनिंग कर रहा हूँ 6 की स्पीड पे, अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा सूरज चड्ढा इज अ हेल्थ केयर फिटनेस प्रोफेशनल, ये मैंने एक सांस के अंदर बोल दिया, इट मींस मेरे लिए स्पीड कंफर्टेबल है, तो मैं 6 की जगह 6.5 कर दूंगा स्पीड। फिर मैं बोलूंगा सूरज चड्ढा इज अ हेल्थ केयर फिटनेस प्रोफेशनल, ये मैंने तेज तेज बोल दिया बट एक सांस के अंदर, फिर मैं यहाँ 7 कर दूंगा, अब मैं फिर से टेस्ट कर रहा हूँ। पर टेस्ट आपने 7 के साथ नहीं करना, टेस्ट के अंदर आपने तकरीबन 2 मिनट का गैप करना ही है। इसके बाद फिर स्पीड 7 कर दी, फिर मैंने 2 मिनट बाद फिर से टेस्ट लिया, सूरज चढ़ा इधर हेल्थ केयर ऐसे सांस चढ़ गई, प्रोफेशनल मुझसे नहीं बोला गया, इट मींस ये मेरे लिए सफिशिएंट स्पीड है, इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता, अगर करूंगा फिर मैं 20 मिनट तक नहीं परफॉर्म कर पाऊंगा। ऐसे आपने 5 वर्ड पिक करने, अगर आप 5 वर्ड इजिली बोल पा रहे हो तो आपने स्पीड थोड़ी अप करनी है, अगर आपको डिस्कम्फर्ट आ रहा है 5 वर्ड बोलने में एक सांस के अंदर, तो इट मींस आपकी बॉडी ऑक्सीजन उतना प्रोड्यूस कर रही है जितना आपको चाहिए, इससे स्पीड आपने अप नहीं करनी, वही स्पीड पे आपने 20 मिनट कंटिन्यू परफॉर्म करना है। आई होप जिस वे में मैं आपको समझा रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, अगर आपको समझ आ रहा है तो मैं गारंटी देता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो ये दो चीजों से आपने चेक करना है भी किस स्पीड पे हमने कार्डियो करना है, कोई भी एक्सरसाइज पे आप परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं कुछ लोगों को ट्रेडमिल अच्छा नहीं लगता, साइकिलिंग अच्छी नहीं लगती या कोई ऐसी पर्टिकुलर मशीन पे एक्सरसाइज करना नहीं अच्छा लगता। कुछ लोगों को एक्सरसाइज अच्छा करना लगता है जैसे कि हाई नीज, जंपिंग जैक्स, माउंटेन क्लाइंबिंग, टो टच एंड फ्लोर टच, ऐसी चीजें लोगों को अच्छी लगती है। तो इसका भी मैं बता देता हूँ आपको कितनी और कब परफॉर्म करनी चाहिए। तो आपने करना क्या है, एक दिन में आपने कोई एक एक्सरसाइज पिक कर लेनी है,
फॉर एग्जाम्पल आपने पिक की माउंटेन क्लाइंबिंग, तो माउंटेन क्लाइंबिंग आपने करना क्या है, आपने एक ही एक्सरसाइज का कम से कम 500 या 1000 रेपिटेशन परफॉर्म करने है, दूसरी एक्सरसाइज नहीं करनी। अब आप सोच रहे हो कि इतने ज्यादा रेपिटेशन, यस वो कैसे, अगर आप कोई 5 एक्सरसाइज पिक करते हो, हर एक्सरसाइज के अगर आप 50 रेपिटेशन भी करते हो 5-5 सेट के, वैसे भी ये 1000 रेपिटेशन हो ही जाएंगे, तो इससे अच्छा आप एक ही एक्सरसाइज के 1000 रेपिटेशन कर दो, वो ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल है, इसमें आपकी बॉडी अगेन स्टेडी स्टेज अचीव कर पाओगी जल्दी। ऑफ कोर्स आप एक सांस में 1000 रेपिटेशन नहीं कर सकते, तो आप 50-50 करके हर 50 के बाद आप 10-20 सेकंड रेस्ट ले सकते हो, बट एक एक्सरसाइज परफॉर्म करना एक दिन के अंदर। नेक्स्ट डे आप कोई और एक्सरसाइज कर सकते हो, जंपिंग जैक्स कर सकते हो, उसके 1000 रेपिटेशन, फिर नेक्स्ट डे कुछ और, धीरे धीरे अगर रेपिटेशन आपके इंक्रीज होने लग गए या फिर आपके रेस्ट थोड़ा कम होने लग गया, तो आप समझ लेना भी आपकी फैट परसेंटेज कम होनी शुरू होगी, फर्स्ट डे से ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे, तो आप ऐसे एक्सरसाइज पिक कर सकते हो। अब बात करें कार्डियो वीक में कितनी बार करना चाहिए, अगर मैं आपको रिकमेंड करूं तो आपको एटलीस्ट 3 बार कार्डियो करना चाहिए एक वीक के अंदर, बट अगर आपको बहुत जल्दी है फैट कम करने की, तो आप डेली भी कर सकते हो, इसका कोई नुकसान नहीं है, याद रखना कार्डियो का कभी नुकसान नहीं होता, तो आप डेली भी कार्डियो कर सकते हैं। कितना टाइम लगता है, 20 से 30 मिनट मैक्सिमम, तो आप अपनी नॉर्मल जिम के अंदर कोई वेट ट्रेनिंग करो 30-40 मिनट की, उसके बाद आप ये कार्डियो कर सकते हो, तो आप डेली भी कर सकते हो, डेली नहीं कर सकते मुश्किल लगता है, 3 बार भी करोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके साथ ऑफकोर्स आपने डाइट पे भी ध्यान देना है, डाइट के ऊपर मैंने हजारों वीडियोस बना दी, वो आप चेक कर सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो कार्डियो के ऊपर, आई होप आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी वीडियो से, और डेफिनेटली ये वीडियो से आप आज से अप्लाई करना शुरू कर दोगे भी हमने जिम के अंदर कैसे कार्डियो करना है और कितना करना है, और उनके साथ भी शेयर करना जो कंफ्यूज रहते भी कार्डियो कितना करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। आई होप ये वीडियो से उनको बहुत हेल्प होगी। अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हो कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो, या मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो, वहां मैं अपने वर्कआउट की वीडियोस डालता हूं, जिससे आप एक्सरसाइज के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। तो ये थी मेरी वीडियो, आई होप आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।